अवामी रिलीफ के लिए मेगा ब्रेक थ्रू। पाकिस्तान के पहले निजी बिजली घर ने हुकूमत को मुआहदे पर रजा कराना नजरसानी की बड़ी पेशकश कर दी। लिबर्टी पावर मुनाफे में कमी और नया मुआहदा 100% डॉलर से पाकिस्तानी करेंसी में मुंतकिल करने को तैयार। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन शहरयार चिश्ती की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि प्रपोजल तैयार कर लिया है जो आज हुकूमत को भेज दिया जाएगा। अगर सारिफीन महंगी तरीन बिजली बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे तो IPPs बिजली किसको बेचेंगे। बिजली की कीमत कम करने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा ताकि सारिफीन पर कम से कम बोझ पड़े। और कराची के इलाके शाह फैसल नंबर 3 में रिहायशी इमारत के नीचे ऑयल की दुकान में आतिशजदगी। आग पर मुकम्मल काबू ना पाया जा सका। रेस्क्यू अहलकारों के मुताबिक मुतासर इमारत के नीचे दुकान से एक लाश मिली है। एक शख्स को बेहोशी की हालत में निकाला गया है। 10 से ज़ायद मोटरसाइकिलें जलकर खाकस्तर। 5 फायर टेंडर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ। इमारत में फंसे अफराद को छत पर रेस्क्यू किया जा रहा है। वाटर कॉरपोरेशन के लांटी हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वज़ीर आला सिंध का इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।